हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। मानसून ट्रैफ लाइन आज बीकानेर व परिसंचरण तंत्र से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। आज जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 5-7 दिन दर्ज होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र में कहीं भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज 9 अगस्त को उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2 दिनों से लगातार भरतपुर, जयपुर संभाग में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। आज सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले के महुआ में 195 mm अति भारी बारिश दर्ज की गई है। अब बात करें यदि आगामी दिनों में बारिश पूर्वानुमान की, तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये अगले 5-4 दिनों तक लगभग इसी क्षेत्र के ऊपर बना रहेगा और इसी सिस्टम के असर से अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना अगले 5-7 दिनों तक बनी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। इस सिस्टम के असर से यूं कह सकते हैं कि अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और सामान्य से ऊपर बारिश होने की परिस्थितियां बनी हुई है।